हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर राजकीय महाविद्यालय का परिणाम घोषित। तीसरे मोर्चे ने चारों पदों पर किया कब्जा। सुमेरपुर में करीब 11 बजे मतगणना शुरू की गई, जिसमें करीब 3 घंटे की मतगणना के बाद 2 बजे राजकीय महाविद्यालय के परिणाम घोषित किए गए, जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यहां चारों सीटों पर तीसरे मोर्चे यानी छात्र संघर्ष समिति ने बाजी मारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ओपी शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में कुल 840 मतदाताओं में से 683 मतदाताओं ने मतदान किया। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर गजेंद्र सिंह ने 391 मत प्राप्त कर 140 मतों से विजय रहे, तो उपाध्यक्ष पद नीतू कंवर 90 मतों से विजयी रहीं। महासचिव पद पर जगतपाल सिंह 190 मतों से विजयी रहे। संयुक्त सचिव पद पर सुमित्रा 94 मतों से विजयी रहीं। मतगणना के बाद परिणाम घोषणा के साथ ही विजयी उम्मीदवारों को कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर चेतन जोशी द्वारा शपथ दिलाई गई। डॉक्टर ओपी शर्मा ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस दल और सहकर्मियों का धन्यवाद व्यक्त किया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रोफेसर अनामिका शिखावत, प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह, प्रोफेसर पीआर चौधरी, प्रोफेसर इंदु सक्सेना, देवेंद्र आर्य, राजेश राठौड़, सुमेश कुमार पटेल और अन्य कार्मिकों का सहयोग रहा। सुमेरपुर राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई हाथ मलते रह गए। जीत के बाद विजयी प्रत्याशियों ने सुमेरपुर बाजार में जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की। जागरूक टीवी की सुमेरपुर से तनुन रावल की रिपोर्ट।